Assalamu alaikum. Welcome back. Yes, students. Today we learned sixth kind of pronoun, which is demonstrative pronoun. In our last lecture, we explained the kind of pronoun which is reflexive pronoun. And now we have to explain demonstrative pronoun. What is demonstrative pronoun? इसे कहते हैं ज़मीर इशारा, यानी जो किसी तरफ इशारा करे, जो पॉइंट आउट करे किसी चीज को. डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोस प्रोनाउन व्हिच आर मोस्टली यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स. और दीस प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट अ नाउन. ऐसे जमीन, या जिसे हम कहते हैं जमीन इशारा, ऐसे जमीन है जो आदमी, जगह, चीजों और जानवरों की तरफ अक्सर इशारा किया करते. या दूसरी अब मीनिंग पे चलेंगे, ये जमीर इसम की तरफ इशारा करते हैं. अब इसम हम कहते हैं किसी भी नाम को, किसी भी चीज, जो जो भी चीज हो, जिस जिसका भी नाम हो, हम उसे नाउन कहते हैं. अब देखना ये है कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी चीज, किसी जगह या किसी जानवर या आदमी की तरफ कैसे इशारा करते हैं. तो देखें, मैंने लिखा हुआ है ये चार किस्म के प्रोनाउंस हैं, जिसमें है दिस, दैट, दीस, दोस. अच्छा, ये दिस और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और दीज और दोस जो है वो प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. दिस इसलिए यूज होगा जो हमारी पहुंच में चीज हो, हम उसकी तरफ इशारा करते हुए दिस इस्तेमाल करेंगे. और दिस का जो प्लूरल है वो है दीज. और दैट जो हमारी पहुंच से दूर चीज हो, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. और दोस उसी तरह इस्तेमाल होता है प्लूरल चीजों के तरह के लिए. यूजेज में देखें, दिस इज माय कार, ये मेरी कार है. अब आप देखोगे कि जो दिस है प्रोनाउन है और वो इशारा कर रहा है कार की तरफ. जो कार है वो है नाउन. तो ऐसे प्रोनाउन जो नाउन की तरफ इशारा करें, जो नाउन की तरफ बताएं, हम उन्हें कहते हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. दूसरे एग्जांपल में आप देखोगे, दीज आर माय चेयर्स. अब ये प्लूरल में लिखा हुआ है कि ये मेरी कुर्सियां हैं. तीसरे जुमले में दैट इज माय ब्रदर, वो मेरा भाई है. और चौथे में देखोगे दोस आर माय ब्रदर्स, वो मेरे भाई हैं. तो ऐसे प्रोनाउन, ऐसे ज़मीर जो किसी इसम की तरफ या किसी चीज की तरफ, जिस जिसका भी नाम हो, इशारा करे या पॉइंट आउट करे, हम उसे डेमोंस्ट्रेटिव